हाय एवरीवन, मैं हूँ रेशमा और स्वागत है आपका इस चैनल पे। पिछले पार्ट वन एपिसोड ऑफ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपके साथ शेयर किया है कैसे आप अपने वार्डरोब को पहले तैयार कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपने पार्ट वन एपिसोड नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने में। तो चलिए, आज के इस पार्ट टू एपिसोड ऑफ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग द क्लोथ्स इन द वार्डरोब, आपको किस टाइप के राइट काइंड ऑफ हैंगर्स यूज करने चाहिए फॉर राइट काइंड ऑफ क्लोथ्स, एज वेल एज आई एम गोइंग टू शो यू द राइट काइंड ऑफ मेथड ऑफ हैंगिंग द क्लोथ्स ऑन द हैंगर्स। और इसके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी मेथड ऑफ फोल्डिंग द क्लोथ्स जिससे आप अपने कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रख पाएंगे अपने वार्डरोब में, जिससे आपका वार्डरोब का स्पेस जो है वो बहुत सारा बच जाएगा और आप कपड़ों को आसानी से निकाल भी पाएंगे विदाउट क्रिएटिंग एनी मैस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास कुछ इस तरह के कोट्स एंड फॉर्मल पैंट्स हैं। इनको वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं इस तरह के वुडन हैंगर्स यूज कर रही हूँ। पैंट को मैं इस तरह से फोल्ड करके हैंगर के रॉड पे डाल रही हूँ। और अब कोट को इस तरह से इस हैंगर पे लगा रही हूँ नाइसली। इस तरह से मैंने मेरे सारे कोट्स, जैकेट्स एंड फॉर्मल पैंट्स को वुडन हैंगर पे अरेंज कर लिया है। आई विल हाईली रिकमेंड वुडन हैंगर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ कोट्स एंड जैकेट्स इन योर वार्डरोब, एंड दे विल गिव ए वेरी क्लासी एंड डिसेंट लुक टू योर वार्डरोब। मेरे पास ना इस तरह के फॉर्मल शर्ट्स हैं, आपके पास भी होंगे ही। अगर हर एक शर्ट को मैं एक एक हैंगर यूज कर लेती हूँ तो मुझे इनको वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे हैंगर्स लगेंगे और वार्डरोब में बहुत सारा स्पेस भी यूटिलाइज हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं एक ही हैंगर पे ना दो शर्ट्स ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। दिखाती हूँ कैसे, हैव ए लुक एट इट। पहले एक शर्ट को आप इस तरह से रखें बैक साइड अप और इस तरह से फोल्ड करें जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और अच्छे से इसे प्रेस भी करें। देन यू कीप द हैंगर लाइक दिस ऑन द शर्ट इन द सेंटर एंड फोल्ड द शर्ट ऑन द अदर साइड लाइक दिस एंड जस्ट सी टू इट दैट बोथ द साइड्स ऑफ द शर्ट आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब दूसरी शर्ट को आप हैंगर पे लगा सकते हैं इस तरह से। आप शर्ट बटन्स को टोटली खुला रख सकते हैं या फिर बंद भी कर सकते हैं नीचे से। लेकिन ऊपर के तीन बटन्स आपको खुले रखने होंगे इन ऑर्डर टू व्यू द इनर शर्ट ऑन द रॉड क्लियरली। इस तरह से मैंने बाकी के शर्ट्स भी अरेंज कर लिए हैं हैंगर्स पे। ये मेथड यूज करने से हमें हैंगर्स भी कम लगेंगे
और बहुत सारे शर्ट्स एक साथ वार्डरोब में घर कर पाएंगे विदाउट टेकिंग मच स्पेस। इन पार्टी वेयर टॉप्स को वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करने के लिए आई एम यूजिंग दिस थिन एंड लाइट वेट हैंगर्स, क्योंकि ये पार्टी वेयर टॉप्स ना बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं और इनको भी हैंगर्स पे अरेंज करने के लिए आई हैव यूज्ड द सेम मेथड विच आई हैव यूज्ड फॉर द शर्ट्स। हैंगर के रॉड पे आपको एक और टॉप हैंग की हुई दिख रही है। आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल, जस्ट लुक एट दिस। इस टाइप के वन पीस ड्रेसेस, फ्रॉक्स एंड स्कर्ट्स के लिए आप इस टाइप के हैंगर्स यूज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इजिली पुट द फोल्डेड ड्रेस और फ्रॉक और स्कर्ट ऑन द रॉड ऑफ द हैंगर, एज वेल एज यू कैन इजिली रिमूव फ्रॉम इट। आपको इस तरह से फोल्ड करना है ड्रेस को। सी दैट बोथ द फोल्डेड साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ and then put it on the rod of the hanger like this. Remaining rod portion of the hanger pe aap dusri dress ko is tarah se fold karke dal sakte hain like this. And just see, they are settled so well on this hanger. Beautiful. Ab mere paas jo casual wear synthetic tops and t-shirts hai, उनको मैंने एक स्विस केक रोल की फॉर्म में फोल्ड करके रखा है लाइक दिस। आई विल शो यू हाउ यू कैन फोल्ड द सिंथेटिक टॉप्स इन रोल फॉर्म, जस्ट वॉच इट। इस तरह से आपको टी शर्ट को बैक साइड अप फेस करके रखना है एंड देन यू फोल्ड इट हाफ वे लाइक दिस। Now this is a long sleeve t-shirt, so इस sleeve को इस तरह से fold करना है और अब another half of the t-shirt को पूरी तरीके से इस folded half पर overlap कर लेना है इस तरह से, और similarly इस sleeve को भी fold कर लेना है like this, और अब इसको इस तरह से roll कर लेना है। जितना पतला हो सके उतना पतला roll आप बना दीजिए, क्योंकि पतला होने से ये वार्डरोब में कम जगह लेगा एंड सिंस दे आर सिंथेटिक इन नेचर देयर विल बी एब्सोल्युटली नो रिंकल्स एंड क्रीजेस ऑन द क्लॉथ। ये लीजिए, स्विस टी शर्ट रोल इज रेडी। सेम मेथड आप शॉर्ट स्लीव्स एंड स्लीवलेस सिंथेटिक टॉप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर फोल्डिंग कॉटन टी शर्ट्स एंड टॉप्स, आप अगेन टी शर्ट को बैक साइड अप फेस कीजिए and then fold it halfway like this. And then overlap the remaining half portion over the folded portion totally like this and press it properly. और इसके बाद आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए, लिविंग some portion free below and then fold it like this so that you get this square box shape. This is known as Kon Mari method of folding clothes invented by Marie Kondo. इस तरह से फोल्ड करने से ना कपड़े वार्डरोब में एकदम इंटैक्ट और सिस्टमैटिक रहते हैं, कंज्यूमिंग लेस स्पेस। सी, दिस इज ए फ्लेयर प्लाजो। इसको आप इस तरह से पहले फोल्ड कीजिए एंड देन इसका रोल बनाइए लाइक दिस, जितना पतला हो सके उतना पतला। इस तरह के जैगिंग्स या फिर लेगिंग्स आप फोल्ड करके इनके रोल बना के रख सकते हैं।
जीन्स को आप इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर शीट्स और प्लैंक्स। जीन्स को आप इस तरह से पहले फोल्ड कर लीजिए एंड देन फोल्ड इट इन दिस वे अप टू दिस पॉइंट। इसके बाद एक और फोल्ड कर लीजिए यहां तक एंड देन ओवरलैप दिस पार्ट ओवर द फोल्डेड पार्ट लाइक दिस। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको लाइन के बाहर दिख रहा है इसको इस तरह से अंदर डालें लाइक दिस और देखिए इस तरह से आप जीन्स को शीट्स या प्लैंक फॉर्म में फोल्ड करके रख सकते हैं। कॉटन या फिर इस मटेरियल के पैंट्स को आप इस तरह से फोल्ड करके इनके स्क्वायर बॉक्स शेप्स बना सकते हैं। So that you can easily pick them from the wardrobe shelves as well as you can keep them in the same place with the same ease. तो इस तरह से आप अपने different varieties of clothes को इस folding method से अपनी wardrobe में अच्छे से organize कर सकते हैं। अगले पात्र एपिसोड ऑफ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मैंने इन सारे कपड़ों को अपने इस वार्डरोब में एक प्रॉपर जगह अलॉट की हुई है जिससे मेरी वार्डरोब जो है वो मैस फ्री रहेगी और मैं स्ट्रेस फ्री। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल Do subscribe to this channel. So, till then, bye-bye, take care and stay organized, stay energized.